दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में एंट्री करने की परमिशन भी दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। दिल्ली में एंट्री की परमिशन मिली है किसानों को। बस और गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ रवाना हुए किसान। पंजाब से भारी संख्या में बसों में भरकर किसान जंतर मंतर रवाना हुए। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा संगठन से जुड़े किसान रवाना हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रधान जोगिंद्र उग्राहा भी जो है वो साथ में मौजूद हैं। और एक दिन का ये प्रोटेस्ट है। उन्होंने कहा जोगिंद्र उग्राहा ने कि अगर रोका गया तो वहीं रुक जाएंगे। 11 से 18 मई तक देश भर में प्रदर्शन की बात भी जोगिंद्र उग्राहा की ओर से कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्रजभूषण चरण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी की मांग है और इसी को लेकर दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर जा रहे हैं पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए। हमारे साथ प्रदीप धनखड़ इस समय हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप देखिए सुबह के समय जो स्थिति बॉर्डर पर थी यहाँ पर रोका गया जो किसान जा रहे थे पंजाब से दिल्ली और महिलाओं के साथ में थोड़ी बहस जो है वो भी हुई उनका प्रदर्शन हुआ लेकिन उसके बाद में अभी बॉर्डर खोल दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं अब क्या स्थिति है क्या तस्वीरें हैं इस बॉर्डर की। जयंतिका एक बार फिर से किसान और दिल्ली पुलिस आमने सामने खड़े दिखाई दिए। टीकरी बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान पुलिस ने किसानों को रोका था यहीं पर उन्होंने प्रदर्शन कर दिया था आज भी कुछ वैसा ही हुआ। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर ही खड़े हैं। यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है लेकिन जो किसान है दिल्ली जाने का उन्होंने ऐलान किया था पहलवान बेटियों के समर्थन में जंतर मंतर जाने का ऐलान किया था। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने जब किसानों को यहाँ पर रोका तो महिला किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी उन किसानों में वो तुरंत बैरिकेड के पास आए टिकटों को हटाया जितनी नाकेबंदी थी सबको हटाकर दिल्ली के अंदर एंटर कर गई। पैदल ही जो किसान हैं वो आगे बढ़ चली लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद ही जो एक कमर्शियल टोल प्लाजा है एमसीडी का वहां पर वो रुक गई। वहां पर उन्होंने बैठकर धरना देना शुरू कर दिया जिसकी वजह से जाम भी लग गया पूरी तरह से जो है वो सड़क ब्लॉक कर दी गई जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस है उसके हाथ पैर फूल गए और दिल्ली पुलिस ने किसानों के वाहनों के नंबर नोट करके उन्हें दिल्ली के अंदर एंटर करने की परमिशन दे दी। फिलहाल ये रास्ता आप देख रहे हैं जो हरियाणा से दिल्ली के अंदर एंटर करता है ये गाड़ियां दिल्ली की तरफ जा रही हैं। अगर किसी गाड़ी में दिखाई देता है कि कोई किसान बैठा हुआ है तो उस गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है उस किसान के बारे में जानकारी ली जाती है रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से और बाद में उन्हें परमिशन दी जा रही है कि वे जंतर मंतर चले जाएं। हालांकि जो महिला किसान है पंजाब से गाड़ियों को रोका भी जा रहा है प्रदीप अभी भी पूछताछ के लिए बातचीत के लिए आप जैसे जानकारी दे रहे हैं कि डिटेल जो है वो रजिस्टर में नोट की जा रही है तो गाड़ियों को यहाँ पर रोका जा रहा है जो भी संदिग्ध गाड़ी लग रही है कि जंतर मंतर पर जाने वाली है। जी बिल्कुल पिछले कई दिन से ऐसे ही हालात यहाँ टीकरी बॉर्डर पर बने हुए हैं। जिस गाड़ी में किसान बैठे दिखाई देते हैं या फिर कोई पहलवान गाड़ी में बैठे ही दिखाई देते हैं तो उन गाड़ियों को रोक कर उनसे पूछताछ की जाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं और अगर कोई ये कहता है कि वो दिल्ली के जंतर मंतर जा रहे हैं तो उस गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है उसके अंदर बैठे व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर कौन है और उसके बाद उन्हें अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन सुबह के समय जब काफ़ी संख्या में करीब 500 से 600 किसानों की संख्या रही थी जब वे एकदम से दिल्ली के अंदर एंटर करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया लेकिन उन्होंने हटा दिए तमाम नाके हटा दिए और उसके बाद दिल्ली में पैदल इस समय प्रदीप जैसे हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं आपके पीछे भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है यहाँ पर एसएसबी बटालियन जो है वो तैनात है लेकिन साथ ही साथ देखिए बैरिकेड्स जो है जो शायद रास्ते में लगे होंगे जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि सुबह के समय ये बैरिकेड्स लगा दिए गए थे लेकिन अभी उन्हें साइड कर दिया गया है। लेकिन इतनी संख्या में जो फोर्स की तैनाती यहाँ इस बॉर्डर पर है क्योंकि रोका तो नहीं जा रहा है सभी को जो भी जंतर मंतर जाना चाहते हैं बेशक उनके डिटेल्स नोट की जा रही है लेकिन सबको जाने की अनुमति दी जा रही है अभी जंतर मंतर। तो इतनी फोर्स की तैनाती अभी बॉर्डर पर उसके पीछे वजह क्या है क्या आगे अभी रोका जाएगा बॉर्डर बंद किया जाएगा किस तरह की तैयारी की जा रही है। जी दरअसल किसी तरह का बॉर्डर बंद करने की तैयारी नहीं है। हालांकि जो गाड़ियों में बैठकर किसान आ रहे हैं या किस कोई गाड़ी में दिखाई देता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है उसे रोककर पूछताछ की जा रही है उनका नंबर भी यहां पर नोट किया जा रहा है। भारी संख्या में करीब 100 से ज़्यादा पुलिस जवानों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है। इतना ही नहीं सीआरपीएफ के जवानों की ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई गई है। सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान सुबह से ही इस यहाँ पर मौजूद हैं। रास्ते को भी लोहे के बैरिकेड्स के जरिए संकरा कर दिया गया है सिर्फ 2 गाड़ियों की लाइन ही आगे बढ़ रही है जबकि
करीब 6 वाहन एक साथ यहाँ से गुजरने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इस रास्ते को हल्का सा जो है वो भीड़ा कर दिया गया है, संकरा कर दिया गया है, ताकि हर एक वाहन पर पुलिस अपनी नज़र रख सके। हालांकि जो खाप पंचायतें हैं, खापों के प्रतिनिधि भी आज दिल्ली जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को रोक कर भी उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, उनके नंबर नोट किए जाएंगे और उसके बाद उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर जाने की परमिशन दी जा रही है। जो खाप प्रतिनिधि हैं या फिर किसान संगठन हैं जो पंजाब से चलकर आए हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा के जो प्रधान थे जोगेंद्र सिंह उग्राया, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहलवान बेटियां उन्हें समर्थन देने के लिए एक दिन के लिए आज यहाँ है, उनका रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं है, वे प्रदर्शन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा रणनीति बना रहा है और देश भर में 11 तारीख से 18 तारीख तक जो महिला पहलवान है धरना दे रहे हैं, देश के नामचीन पहलवान, उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि ब्रजभूषण शरण जो भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी मांग के साथ में आज सभी जो किसान नेता भी हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और जोगेंद्र उग्राह का आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर जैसे उनकी ओर से जानकारी दी गई कि सिर्फ एक दिन का उनका ये समर्थन है, एक दिन के लिए वो जो है दिल्ली की जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर रुकने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल सभी को जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन गाड़ियों की चेकिंग जो है वो भी अभी यहाँ पर जारी है। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए इस समय, और आपको बता दें कि दरअसल ये तस्वीरें इस समय आप टिकरी बॉर्डर से देख रहे थे, हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ ने आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई कि किस तरह से अभी फिलहाल बैरिकेड्स खोल दिए गए हैं, लेकिन जो सड़क है उसको नैरो कर दिया गया है और हर एक गाड़ी पर, हर एक वाहन पर नजर यहाँ रखी जा रही है। अगर सरकार रोक लेती तो शायद हो सकता आज हम ना जाते, इधर नाके वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन हमारा आज एक दिन का प्रोटेस्ट है, एक दिन के लिए हम लोग आए हुए हैं, आज का प्रोटेस्ट हमारा एक दिन का है, आगे अगर सरकार ने इस मसले को हल ना किया तो आगे सोचा जाएगा। झड़प भी हुई है महिलाओं की यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ, रोका गया तो नाके तोड़ गए, देखिए आंदोलन जैसे हालात हो गए थे। देखिए सरकार अगर रोकेगी तो ऐसा तो होगा, फिर जब जबर किसी बात जबर करने के बाद उसके बाद दोषी को सजा देने के लिए सरकार तैयार नहीं, उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं, उसका उदा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसा तो होगा। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में पंजाब से भारी संख्या में किसान बसों में सवार होकर पहुंचे हैं। ये देखिए बस हैं, काफ़ी सारी बसों में सवार होकर किसान पहुंचे थे, किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। जब पुलिस ने रोका तो बैरिकेड हटाकर जो महिला किसान है वो अंदर की तरफ दाखिल हो गई। काफ़ी सारे किसानों की संख्या करीब 500 से 700 ये किसान हैं। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, टीकरी बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने अलाउ कर दिया है, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस के पास जो ऑर्डर्स थे वो इन्हें रोकने के थे, तो रोका गया लेकिन किसान रुके नहीं, महिला किसानों ने जो बैरिकेटिंग थी उसको हटा दिया और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, पैदल ही वो कमर्शियल टोल तक यहाँ पर आ पहुँचे हैं। और इसके बाद जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने किसानों को अंदर जाने की अनुमति दी है। फिलहाल कुछ किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक ये यहाँ पर रुकेंगे, कब तक जो है प्रदर्शन चलेगा और आप कितने दिन यहाँ पर रुकेंगे, कब तक ये प्रोग्राम रखा आपने? ये जो आज असी भारतीय किसान एकता ग्राहां वालों इतने वो बेटी तो उन्होंने रैसलिंग वाली धक्का होया, उन्होंने बेपत्ती हुई है, इंसाफ दवा एक रोज़ है 11-12 तारीख को असी पंजाब के बड़े रोस प्रदर्शन औरतों के कर रहे हैं, तो हरियाणे के कर रहे हैं, उत्तराखंड कर रहे हैं, उन्ना चर असी प्रदर्शन करते रहेंगे वख वख रूप के जिन्ना चर साडिया बेटियां इंसाफ नहीं मिलता, तो उस प्रधान फड़ के अंदर नहीं किया जाता, ये रोस प्रदर्शन चलते रहने जी। बिल्कुल, जो ब्रजभूषण शरण है उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और साफ तौर पर कहना कि पंजाब में भी 11-12 तारीख को किसान महिलाओं का बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। ये देखिए ये बस हैं जिन बसों में सवार होकर किसान पहुंचे हैं, अब अनुमति दे दी है दिल्ली पुलिस ने, तो अब किसान जंतर मंतर पर जा रहे हैं और अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, महिला पहलवानों को अपना समर्थन देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जो प्रदर्शन करने वाले नामचीन पहलवान हैं, बेटियां हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बाद न्याय कब तक मिल पाता है।